गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी विल बी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं इन बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड एनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाउ द सिस्टम फंक्शनिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव एंड व्हाट फॉर दैट स्ट्रक्चर है, ये सब हम उसमें अंडरस्टैंड करते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट। द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर मेंशन, तो यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स द बोथ एंड एनिमल्स। बट इफ यू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यू कैन ऑल्सो फाइंड द सिमिलर सिमिलरिटीज and their differences. This chapter introduced to understand the internal structures of plants. Generally wo common hote hain. This is the called anatomy. So the internal structure of plant we will be understand, that is called the general anatomy. So in anatomy we understand which are the tissues are present in a plant and how it arrange and forming the organ and together the organ system and how they're functioning, that we have to be understand by the way of anatomy. Before I want to be starting this chapter, I will first define the tissue. While we define the tissue, the tissue is nothing but a group of tissue is a group of cells having common origin. A common origin kaun sa hai? That is zygote. Zygote is a common origin. So zygote se hi the first cell is a zygote. For example, jo first cell produce hota hai by the fusion of male and female gamete. The first cell is produced zygote. The first cell is obviously kaun sa hota hai? Zygote hota hai. So this zygote can be furtherly divided mitotically. Mitotically divide, okay, ek mein se do, 2 to 4, 4 to 8, and then starting to develop. While we talk about animals, then they having the blastomas, the blastocysts that forming the blastomas. But in plant, they are differentiated before, first they can be divided, then after they can be differentiated. Common ही चलता है, लेकिन यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट से ब्लास्टोमियर्स मतलब एक्टोडम एंडोडम मेजोडम फॉर्म नहीं होता है, वो हम ऑलरेडी मैंने एनिमल टिश्यू में आपको अंडरस्टैंड करवाया। बट यहाँ पे जो सेल्स है पहले डिवाइड होते रहते हैं, देन दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। They can be differentiated and turns into tissue. Now tissue together arrange and forming the organs. An organ together forming the organ system, that we already know. So tissue is a group of cells having common origin and usually performing the common function. Common function kya hota hai? Xylem, for example. तो जाइलम एक टिश्यू है प्लांट के अंदर, ओके। तो दिस जाइलम कैन बी परफॉर्मिंग विच कॉमन फंक्शन, वी नो दैट कंडक्शन। कंडक्शन किसका? वाटर एंड मिनरल्स का, ओके। वाटर एंड मिनरल्स कैन बी कंडक्टेड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम, सेम एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये कॉमन फंक्शन हो गया कि जाइलम वही फंक्शन करेगी, जस्ट कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द रूट टू, वी कैन से जो भी ग्राउंड वाटर है, दैट कैन बी नथिंग बट एब्जॉर्ब टू रूट जाइलम। रूट जाइलम से कहाँ आएगा? दैट इज कम्स इन टू द शूट, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो मीन वाइल द मिनरल्स कैन बी ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, सेम एज वी कैन से द फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्रॉम लीफ टू इट इज ट्रांसफर द कॉमन
that is sucrose, and other nutrients to the rivers, we can say, shoot to the other rest of the part, then at last in a root. तो दोनों का काम क्या है? सीधी बात है कि भाई कॉमन फंक्शन फ्लोएम का क्या हो गया, कंडक्ट द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. जाइलम का काम हो गया द कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स. ओके, सो बिफोर आई वांट टू स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स आई विल क्लासिफाई द टिश्यू फर्स्ट. द मेनली टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू इफ वी रिस्पेक्ट टू टॉक अबाउट प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. अब क्या होता है, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट उसका थोड़ा ग्राफिकली टोटली. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा चार्टिफिकली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द टिश्यू. चार्ट बना लेते हैं तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स क्वाइट ईजी टू अस. ओके, सो लेट्स आई विल क्लासीफाई द टिश्यू फर्स्ट. ओके, टिश्यू को मैं यहाँ पर क्लासीफाई करूँगा. So let's we classify the tissue. Okay, the tissue can be classified. The plant tissue can be classified into two. Number one, the meristematic tissue. And permanent tissue. Meristematic and permanent tissue. Okay. The meristematic tissue that divide their capacity of cell division. Cell division की capacity जब खत्म हो जाती है and they differentiated into permanent tissue. वो क्या हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है वो परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं. तो और कहीं से नहीं आते, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट आते हैं. अब नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, अपाइकल एंड लेटरल मेरिस्टेम. तो प्लांट में सबसे पहले अपाइकल एक्टिव होता है, दैट इंड्यूस द लेंथ, देन लेटरल मेरिस्टेम दैट नथिंग बट एक्सटेंड द गर्थ. अपाइकल मेरिस्टेम प्लांट में लेंथ इंड्यूस करता है, रूट है तो रूट की लेंथ, शूट है तो शूट की लेंथ, शूट के ब्रांचेस की लेंथ, स्टेम की लेंथ. और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, इट इज नथिंग बट वो क्या करते हैं, दे कैन बी, उसको लेटरल मेरिस्टेम या तो सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं. पहले कौन सा एक्टिवेट होता है, अपाइकल, देन लेटरल मेरिस्टेम विल बी एक्सटेंड. तो दैट एक्सटेंडिंग द गर्थ मतलब के डायमीटर इंक्रीज करते हैं. अपाइकल के साथ साथ एक और मेरिस्टेम है, दैट इज ओनली फाइंड इन मोनोकोटिलेडन एंड ग्रास, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. जो खा जाते हैं उसके बाद, सपोज ग्रास आप काट देते हो फिर से नई कहाँ से उगती है, तो उसके पीछे क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नाउ परमानेंट टिश्यू इज कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू, सिंपल परमानेंट एंड कंडक्टिव टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, उसमें एक ही तरह के एक ही टाइप के सेल्स होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल वन टाइप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू. दैट इज कॉल्ड पेनकाइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन फॉर्म. कंडक्टिव टिश्यू दैट इज अगेन वी टेल्स द कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंडक्टिव, जाइलम एंड फ्लोएम. सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन एज वी नो अबाउट द प्लांट टिश्यू. सो लेट्स विद बिगिन विथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. सो लेट्स वी टॉक अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
द मेरिस्टेम वर्ड इज गिवन बाय द सेल डिवीजन, एक्टिव सेल डिवीजन के ऊपर से वर्ड आया मेरिस्टेम्स। मेरिस्टोज मतलब डिवाइडिंग, मतलब कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसको मेरिस्टमेटिक कहते हैं। दे हैविंग द डेंस न्यूक्लियस, द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विद द डेंस साइटोप्लाज्म, और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, सतत मतलब के रेगुलरली वो क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। दे जनरली प्रेजेंट इन टू द टिप्स, इफ इट इज प्रेजेंट इन टू द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, दैट इज कॉल्ड अपाइकल मेरिस्टेम। सो लेट्स बी एक्सप्लेनिंग अबाउट अपाइकल मेरिस्टेम। सो सी व्हाइल वी टॉक अबाउट अपाइकल मेरिस्टेम, सो दिस इज द टू डायग्राम इज गिवन। नंबर वन इज डायग्राम इज गिवन अबाउट अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ रूट। तो इसमें बहुत सारी थियोरीज है, तो जनरली कैलिप्ट्रोजन थियोरी एंड डर्मेटोजन थियोरी लार्ज एक्सटेंट रूट के ऊपर सही ठहरती है। ओके, अब रूट के मेरिस्टेम की बात करें तो सबसे पहले आएगा रूट के दैट प्रोटेक्ट्स द अपाइकल मेरिस्टेम, देन रूट अपाइकल मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। रूट अपाइकल मेरिस्टेम में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं। उसके बाद एक्सटेंसर में द इनिशियल ऑफ रूट कैप, मतलब जो रूट कैप यहाँ से फॉर्म होती है, जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है दैट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रूट, वो डिवाइड होती रहती है। देन एक्सटेंस वो क्या है, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। व्हाइल वी टॉक अबाउट शूट, देन द लीफ प्रोमेडियम दैट फॉर्मिंग द नोड, एंड जनरली उसमें से लीफ या तो ब्रांचेस निकलते हैं। देन दिस एरिया, दिस इज द शूट अपाइकल मेरिस्टेम दैट ऑल्सो एक्सटेंड द शूट। एक्सिलरी बड दैट प्रोवाइड द लेटरल ब्रांचेस, अपाइकल बड दैट प्रोवाइड द अपाइकल ब्रांचेस, एंड डिफ्रेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यू जोन है जो बाद में परमानेंट टिश्यू में तब्दील होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शूट एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इट्स पोजिशन। ओके, तो ऑक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन टू द ऑक्सिल ऑफ लीफ एंड स्टेम, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी बड। इफ वाइल द लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ इज अकर एंड सेवरल टिश्यू इज टू बी रिमेनिंग ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम एंड दैट फॉर्मिंग द लीफ, सो दिस रीजन इज कॉल्ड नोड। ओके, नाउ द मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड इंटरगैलरी मेरिस्टेम। सो दिस इज ऑल आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, बोथ अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरगैलरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स दैट फॉर्मिंग द प्राइमरी प्लांट बॉडी इन सम एक्सटेंट ऑफ लेंथ एंड सम एक्सटेंट ऑफ गर्थ। ओके, नाउ इसके बाद जो मेरिस्टेम आता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, दैट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ वुड एंड फॉर्मेशन ऑफ बार्क। तो वो दो तरह के से होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैम्बियम एंड कोकैम्बियम, वो आगे जाके हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। ओके, आफ्टर लेंथ इज इंक्रीज द मेरिस्टेमेटिक सेल कैन बी डिवोटेड और लूज देयर कैपेसिटी ऑफ डिवाइड नहीं होते हैं, और जो जनरली ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं इनटू परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में लेट्स बी टॉक अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल और परमानेंट टिश्यू में पहला है पेरेन्काइमा, द सिंपल टिश्यू इज अ पेरेन्काइमा। जब फर्स्ट डायग्राम इज अबाउट पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा की जब बात कर लेते हैं तो ये भी लिविंग टिश्यू है। ओके, इट हैज़ अ इंटरसेल्युलर स्पेसिस, द स्पेसिस बिटवीन द सेल्स, सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, सब लगभग एक ही तरह के शेप के होते हैं, मे बी दे आर पोलीगोनल, मे बी दे आर राउंड, मे बी दे आर ओवल,
डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ शेप होते हैं, दे ऑल्सो कंसिस्टिंग द सम एक्सटेंट कुछ सेल के अंदर क्या होती है, वैक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट, होती है नहीं भी होती है, दैट डिपेंड ऑन द दैट। लगभग जैसे हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में होते हैं वैसे ही दिस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सारे पार्ट में होती है लीफ, बट लीफ में होती है तो लीफ में इट बियर्स क्लोरोप्लास्ट, इन लीफ इट हैज क्लोरोप्लास्ट, सो दैट टाइम वी कॉल्ड एज अ क्लोरेनकाइमा। बट वाइल इन सर्टेन एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं और सेल्स आर लूजली अरेंज, तो कोई भी ऑर्गन होता है, फॉर एग्जाम्पल लीली है, तो लीली तैरती है, लीली के जो लीफ होता है वो वाटर सरफेस पर फ्लोट करता है, इट फ्लोट फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ एक्वेटिक प्लांट, द मोर एयर चैम्बर्स आर देयर, मोर इंटरसेल्युलर स्पेस, एंड दैट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। सो दीज आर द नथिंग बट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेरेनकाइमा ओनली, ओके। पेरेन मतलब के उसका मतलब होता है वेयर द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज टू बी रिमेन इन, वहाँ सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, ओनली जस्ट पेरेनकाइमा स्टेज होता है। आफ्टर पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा के अंदर कुछ हिस्सों में, कौन से हिस्सों में, दैट इज द थिकनिंग इन पेरेनकाइमा, द एंगुलर थिकनिंग किसका होता है, एंगुलर थिकनिंग ऑफ नथिंग बट होमोजीनस थिकनिंग और पैचेस ऑफ क्या हो जाता है, इट्स थिकन बाय द हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, जब उसका थिकनिंग हो जाता है देन इट इज टर्न्स इनटू कोलेनकाइमा, इट इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू बट जनरली वो अंडरग्राउंड पार्ट में मिसिंग है, अंडरग्राउंड पार्ट में होता नहीं है, यंग स्टेम, यंग लीफ और उसमें होता है, दैट प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, आप कोई भी यंग हर्ब है उसको खींचो फिर वो अपनी जगह पे क्यों चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा, ओके। सो सम एक्सटेंट दे असिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, द इंटरनल सेल्युलर स्पेसेस इसमें नहीं होते हैं न के बराबर, क्योंकि एंगुलर थिकनिंग होता है तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ओके, इसके अलावा जनरली वो कहाँ पे होते हैं, मैंने पहले ही बताया दिस इज एब्सेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटीज, तो इट इज प्रेजेंट इन टू यंग स्टेम एंड पिट्यूल ऑफ लीफ, जो लीफ का पिट्यूल होता है वहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में वो नहीं होते हैं, अंडरग्राउंड प्लांट मतलब रूट और उसमें वो एब्सेंट होते हैं। नाउ अनदर टिश्यू इज अ स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये कौन सा है, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं रहती है, थिंकनिंग ऑफ लिग्निंग लिग्निफाइड सेल वॉल हो जाती है, ताकि अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं रहते, द सेल स्पेस एंड ल्यूमेन नहीं रहता है, ल्यूमेन मतलब सेल का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो बीच में साइटोप्लाज्म का एरिया है दैट इज ऑल्सो कवर्ड, दैट्स वाई दैट कुड नॉट हैज अ एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, और ये टिश्यू क्या होते हैं डेड, तो स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, कौन सा टिश्यू है, डेड, सिंपल में पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा इज लिविंग टिश्यू बट स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, ओके। वो दो फॉर्म में होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स, फाइबर जनरली कहाँ पे होते हैं, जो फाइबरस फूड आप देख ले फूड देखते हैं हम पे, तो लॉन्ग इलोंगेटेड टेपर एंड्स वाले फाइबर्स होते हैं दैट प्रोवाइडिंग अ मैकेनिकल सपोर्ट, बट स्क्लेरिट्स जो कटहल के दाने होते हैं वैसे होते हैं, तो स्क्लेरिट्स आर स्पेशली प्रेजेंट स्पेरिकल या तो वॉल होते हैं, वो हाईली थिकन वॉल होते हैं, तो कहाँ कहाँ होते हैं दैट यू ऑलरेडी नो, कि भाई आप इसमें से बहुत सारी कुछ चीज़ें खाते हैं, द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट उसमें होते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक द गवा जो आप जामफल खाते हो उसमें, पियर एंड सपोटा चीकू में ऐसा होते हैं, सीड कोट में भी होते हैं ऑफ लेग्यूम्स,
बीन्स है, बंगाल ग्राम है वगैरह में होते हैं। लीव्स ऑफ टी, टी के लीव्स में भी क्या होते हैं, स्क्लेरेट्स आर प्रेजेंट। तो जनरली स्क्लेरेट्स आर नथिंग बट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, फेयर इट इज प्रेजेंट इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। तो टुडे वी आर कंप्लीटेड मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड वी आर हियर कंप्लीटेड सिंपल परमानेंट टिश्यू। टुमोरो विल बी स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट विल बी स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड विल बी ऑल्सो स्टार्ट विद द लेटरल और सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट। ओके, थैंक यू वेरी मच।